अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना निर्मला जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि सभी महिलाओं को लगता है कि अगर एक बार उनका सी सेक्शन डिलीवरी हो गई है तो क्या आगे वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ, ये एक सवाल जो होता है ये बहुत महिलाओं के मन में होता है कि हमारा अगर एक बारी सी सेक्शन हो जाता है तो क्या हमारी अगली डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या वो सी सेक्शन से ही होगी। देखिए, इसमें कोई गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं ले सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी और आप भी ये मिलकर ये तय करते हैं। क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रश्न होते हैं कि अगर पहली डिलीवरी सी सेक्शन है तो दूसरी सी सेक्शन होगी या नॉर्मल होगी। सबसे पहले आपको अपनी दूसरी डिलीवरी के टाइम डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे कि ये जो आपकी पहली डिलीवरी के दौरान जो सी सेक्शन से हुई है उसके जो टांके हैं वो ये दूसरे डिलीवरी के टाइम अगर हम नॉर्मल की कोशिश करते हैं तो वो क्या उस लेबर की पेन्स को सह सकते हैं। डॉक्टर एक तो ये चेकअप करते हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिसको हमें ध्यान देना है। कि पहला, कि अगर आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है, अगर आपका जो वज़न है वो ज़्यादा है और अगर आपकी पहली डिलीवरी जो सी सेक्शन से हुई है उसको अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है और इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये डॉक्टर पहले इनको समझता है, सोचता है, फिर ही वो ये डिसीशन ले पाता है कि आपको सी सेक्शन के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए कि सी सेक्शन से होनी चाहिए। इसके बाद एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है कि अब तो आजकल नहीं बट पहले काफ़ी समय तक हमारा जो सी सेक्शन का स्कार जो इंसिशन हम देते हैं वो इस तरह से देते थे, अप टू डाउन ऐसे करके जो हमारा सी सेक्शन का इंसिशन होता था। तो इस सी सेक्शन के इंसिशन में जब अगला अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कोशिश करते हैं तो ये जो स्कार है, ये जो इंसिशन है, इसके लूज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब कि कई बारी गर्भाशय के फटने के भी चांस होते हैं अगर हम पहली डिलीवरी सी सेक्शन की है और अगली डिलीवरी जो है हम नॉर्मल करते हैं जिसमें इंसिशन इस तरह से लगा होता है। बट अगर हमारा इंसिशन जो है ऐसे लेफ्ट टू राइट पेट के ऐसे लगा हुआ है तो इसमें जो ये खतरा मैं जिसके बारे में आपको बता रही थी इसमें ये खतरा कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोच कर डिस्कस करके अपने डॉक्टर के साथ हमें ये फैसला लेना है और इन सबको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लापरवाही आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमेशा इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए ही रिस्की होता है। फिर भी अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ वो एक बारी आपका सी सेक्शन चाहे हुआ है वो इस वाली डिलीवरी में आपको वो नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश कर सकते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करानी है जो कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रही हैं और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए और डॉक्टर को लगे कि भाई ये नॉर्मल डिलीवरी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और बच्चे को हमें सी सेक्शन से ही जन्म देना है, तब उस हॉस्पिटल में ये सारी सुविधा होनी चाहिए ताकि हम इमरजेंसी में इस प्रक्रिया जो नॉर्मल डिलीवरी की हम प्रक्रिया सोच रहे हैं उसको हमें त्याग कर इमिजिएटली सी सेक्शन करना है। तो हमें हमारा जो कर्तव्य है वो हमारा है कि हमें ये डिसीशन बहुत सोच समझ के लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है और एक ऐसे अस्पताल में लेना है कि करवानी है डिलीवरी जहाँ पर ये सारी सुविधा अवेलेबल हो। तो दोस्तों, अगर आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद अगर एक नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद ही आप इसको अपनाएं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।